नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि आरएस 3600 की राशियों को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ये दोनों भाग की राशियां क्या हैं? उसने कहा है कि एक राशि है 3600, ठीक है, 3600 रुपए की राशि है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम एक पार्ट मान लेते हैं एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा फिर 3600 माइनस एक्स, ठीक है। अब उसने कहा है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह इस दूसरे भाग पर 6 सही 1/4 वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो पहले इस भाग का ब्याज हम निकालते हैं। तो राशि क्या है, पहला भाग है x, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 और समय कितना है 3 वर्ष, भागे कर देंगे 100। यह किसके बराबर है, जो दूसरा भाग है 3600 माइनस एक्स, इसका रेट क्या है 6 सही 1/4। अब 6 सही 1/4 को सॉल्व करेंगे, 6 चौक 24, 24 1 25, तो 25/4, तो गुणा हो जाएगा 25/4 और समय है 4 वर्ष और भागे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो हमने दोनों राशियों के ब्याज निकाल लिए और दोनों को बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 100 से 100 तो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, अब जो बचा उसको हम लिख लेंगे। तो 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 3 15 x, यहाँ गुणा करेंगे तो 3600 में पहले तो 2500 का गुणा होगा माइनस 25x। अब ये 25x इधर आ जाएगा तो माइनस का है, इधर आके जुड़ जाएगा तो 25 और 15 दोनों मिला के हो जाएंगे 40x, बराबर हो जाएगा 3600 गुणा 25। हमें x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3600 गुणा 25 भागे 40, काटेंगे 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 90 आ जाएगा। तो x बराबर 25 गुणा जब 9 करेंगे तो कितना होता है 225 और 0, ठीक है। तो पहला भाग कितना निकल आया है 2250, यह x की वैल्यू निकली। अब दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग हमने किसको माना था, दूसरा भाग माना था 3600 माइनस एक्स को, तो 3600 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 2250, इसको घटा देंगे तो 0 से 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3 और यहां 3 में से 2 जाएगा 1, तो दूसरा भाग निकल के कितना आया, दूसरा भाग निकल के आ गया 1350, ठीक है। तो पहला भाग 2250 और दूसरा भाग 1350, ठीक है। तो आपने देखा उसने जो कहा था कि 3600 रुपए हैं, दो पार्ट में बटे हैं, तो हमने एक मान लिया था एक्स, दूसरा हो गया था 3600 माइनस एक्स। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगाया तो एक्स, दर थी 5, समय था 3 वर्ष, भागे 100 कर दिया। यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया, राशि थी 3600 माइनस एक्स, दर थी 6 सही 1/4 जिसको बनाया 25/4, गुणा समय था 4 वर्ष, 4 से 4 कट गया, 100 से 100 कट गया। इसको सॉल्व किया 15x, इसका गुणा किया तो इतना आ गया, इसको सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू निकल आई। जब x की वैल्यू निकल आई उसको 3600 में से घटा दिया तो दूसरी वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो पहला भाग 2250 और दूसरा भाग 1350। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।